हेलो चिल्ड्रन, आज हम देखेंगे कि हम सेल और बल्ब को किस तरह से अरेंज करें कि हमारा बल्ब जल जाए। यहाँ हमने 6 अरेंजमेंट्स लिए हैं सेल और बल्ब के, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में ही बल्ब जल रहा है। जैसे कि अगर हम पहली कंडीशन में देखें, पहले सेटअप में देखें, तो कनेक्शंस हमारे बिल्कुल प्रॉपर और टाइट है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है बल्ब के ना जलने की। पहला, बल्ब फ्यूज हो सकता है, और दूसरा, जो हमारी सेल्स हैं वो वीक हो सकते हैं। दूसरे सेटअप में बल्ब जल रहा है क्योंकि तारों की जोड़ तो टाइट है ही, साथ ही साथ बल्ब हमारा वर्किंग कंडीशन में है और सेल भी हमारे वीक नहीं है, स्ट्रांग है। थर्ड सेटअप में भी कनेक्शंस अगर हम चेक करें तो कनेक्शंस हमारे प्रॉपर हैं, लेकिन यहाँ भी पहले की तरह ही सेल हमारा जो है वो वीक हो सकता है और बल्ब फ्यूज हो सकता है। चौथे सेटअप में आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्शन टूटा हुआ है। जब हमारा जो बल्ब है वो तार के साथ जुड़ा ही नहीं है तो परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे सेल जो है काम नहीं कर पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। पांचवें सेटअप में भी अगर हम देखें तो जो सेल है वहां से तार नहीं जुड़ी हुई, जिससे हम बल्ब को कनेक्ट कर पाए, यानी कि परिपथ टूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो नहीं जल पा रहा। छठे कॉम्बिनेशन में जो दोनों तारे हैं वो एक बल्ब के एक ही एंड पर जुड़ी हैं, दूसरे एंड पर जुड़ी हुई नहीं है, जिसकी वजह से बल्ब काम नहीं कर पा रहा। तो बच्चों, हमने इस एक्टिविटी से समझा कि बल्ब को जलाने के लिए तीन कंडीशन जरूरी हैं। पहला, बल्ब का सही होना, दूसरा, जो सेल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए, और तीसरा, जो हमारे तारों की जोड़ है वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए, कनेक्शन हमारे लूज नहीं होने चाहिए। तो है ना ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो विद्युत परिपथ तभी पूरा होता है जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तारों से होते हुए बल्ब से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।